एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्यार्थ कोचिंग सेंटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में, जैसा कि आज आपका तीसरा क्लास है, आपके इस तीसरे क्लास में फिजिक्स के जो तीसरा लेक्चर है, उस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम आवेशों का क्वांटीकरण, हम पढ़ने जा रहे हैं, लिखेंगे। आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या आवेशों का क्वांटीकरण। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है, आवेशों का क्वांटीकरण होता क्या है। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पहले क्लास में आवेश के सभी फार्मूले को देख लिए थे, आज हम उसी आवेश के फार्मूले पर आवेशों का क्वांटीकरण करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। आज हम आवेशों का क्वांटीकरण उसी फार्मूले पर करेंगे जिस फार्मूले से हमने क्या किया था, उसका मान याद किए थे। फार्मूले का क्यू इज इक्वल टू आई टी एंड क्यू इज इक्वल टू एन आई से, ठीक है, उसी फार्मूले से आज हम आवेश का क्वांटीकरण करने वाले। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि आवेश का क्वांटीकरण करने वाले हैं तो Q बराबर क्या होता है बच्चा, एन ई होता है। जैसा कि मैंने फार्मूला आपको पहले ही दूसरे वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया था कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आज हम आवेश का क्वांटीकरण करने वाले हैं बच्चे। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, आवेश Q बराबर एन ई होता है, यही होता है फार्मूले में। ओके, आवेश Q बराबर एन ई होता है। तो अब हमको पता है कि यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी, n का जो मान होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, वो संख्या, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी बच्चा ना, वो कभी भी दशमलव में और भिन्न में नहीं हो सकती। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन की जो भी संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन का जो भी संख्या होगा बच्चा, वो कभी भी दशमलव में और भिन्न में नहीं हो सकता। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, यानी n का मान कभी भी दशमलव में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, समझते रहिएगा, दशमलव में नहीं होगा, n का मान कभी भी भिन्न में नहीं होगा। ओके, n का मान कभी भी भिन्न में नहीं होगा, n का मान कभी भी भिन्न में नहीं होगा, n का मान कभी भी दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, n का मान होगा क्या, कैसी संख्या होगी n का मान, तो आइए देखते हैं। n का मान जो भी होगा बच्चा, हमेशा n का मान एक पूर्ण संख्या होगा। n का मान कैसा होगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए, तो n का मान हम कैसे रखेंगे बच्चा, यहाँ पर पूर्ण संख्या रखेंगे, कैसा रखेंगे, पूर्ण संख्या। ठीक है, n का मान हम कैसा रखेंगे, हमेशा एक पूर्ण संख्या रखेंगे। ठीक है, ये आपको समझना है, n की वैल्यू जब भी रखेंगे बच्चा, दशमलव में नहीं रखेंगे, भिन्न में नहीं रखेंगे, किस संख्या में रखेंगे बच्चा, हमेशा पूर्ण संख्या में रखेंगे। ओके, यानी जब भी n का मान रखना हमें, पूर्ण संख्या में रखना है। भैया पूर्ण संख्या होता क्या है, अब हमने पूर्ण संख्या आपको, आप क्लास 5 से ही पढ़ते होंगे इंटीजर वगैरह सब कुछ, ठीक है, तो इंटीजर यानी पूर्ण संख्या, अब यहाँ पे पूर्ण संख्या की बात किया जा रहा है। ठीक है, पूर्ण संख्या आप रखेंगे तो पूर्ण संख्या क्या होता है आपको पता ही होगा, तो पूर्ण संख्या तो रखेंगे, इसके साथ साथ आप पूर्णांक भी रख सकते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या के अलावा आप पूर्णांक भी रख सकते हैं, लेकिन बच्चा कभी भी इसका मान दशमलव में नहीं रखना है, कभी भी इसका मान भिन्न में नहीं रखना है, इतना आप नोट कर लीजिए। ओके, यानी इसको हम पूर्ण संख्या में लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो हम सीख ले यहाँ पर Q का मान कैसे रखना है बच्चा, हमेशा, सॉरी, n का मान कैसा रखना है आपको, हमेशा पूर्ण संख्या में रखना है, हमेशा पूर्ण संख्या में
पूर्णांक में, लेकिन दशमलव और भिन्न में नहीं रखना है। ओके चलिए आगे समझते हैं बच्चा, ये हो गया हम लोग इतना छोटा सा काम सीख चुके, अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है, अब इसका क्वांटीकरण हम देख लिए। और हाँ ये देखिए पहले क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, हमने तो देख लिया है एन के बारे में, अब हम देखेंगे बच्चा ई, ई क्या होता है, ई मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है ई मीन्स, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन होता है, जहां पर जहां ई क्या है बच्चा, ई क्या है, एक ई क्या है, ई यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है, जैसा कि इसके पहली क्लास में हम अच्छे से बताए होंगे आपको। ओके तो ई का मान हम लोगों को पता है, ई का मान इतना होता है, ठीक है। चलिए ई का मान हो गया, एन का मान हो गया बच्चा, ठीक है, और क्यू का मान हम लोग फॉर्मूले से क्यू का मान हम लोग निकाल लेंगे। ओके चलिए अब हम आवेश का क्वांटीकरण सीख चुके हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ओके चलिए तो आपका प्रश्न है निम्न में से, चलिए प्रश्न लिख रहे हैं, प्रश्न नंबर एक, निम्न में से कौन सा आवेश निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, कौन सा आवेश संभव नहीं है, ठीक है। सवाल में बोला है कि निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, ऑप्शन दे रहे हैं बच्चा आपको, ऑप्शन है कि +3/2 इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन में है आपका +4 इलेक्ट्रॉन, और सी ऑप्शन में दे दिए हैं आपको -5 इलेक्ट्रॉन, अब डी ऑप्शन में दे दिए बच्चा कि -6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सवाल को पढ़िए, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, अभी अभी हमने सीखा बच्चा कि आवेश जो होता है भिन्न में नहीं होता है, दशमलव में नहीं होता है, ठीक है। तो यह बोला है निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, हमको पता है कि दशमलव और भिन्न वाला आवेश संभव नहीं है, तो बच्चा इसमें से यही ऑप्शन है जो बटे में है, यानी भिन्न में है ना, लेकिन भिन्न में है तो ये सब का है, एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, पूर्णांक है कि नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भैया आवेश आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो है क्या है, भिन्न में है, तो हम कहेंगे कि ये आवेश आपका संभव नहीं है भैया, ये ऑप्शन जो है संभव नहीं है, यह आवेश संभव नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दो, कह रहा है कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित है, निर्मित होगा, ठीक है,
ध्यान से समझिएगा बच्चा पहले सवाल को। सवाल कह रहा है 3.2 कूलाम आवेश, या आवेश दिया है कितना 3.2 कूलाम आवेश। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। देखिए यहाँ पे जो सवलिया में दिया है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 3.2 कूलाम आवेश। अरे बच्चा इस सवाल में बोला है कितना कूलाम आवेश है, यानी आवेश का मान दिया है ना। ठीक है, तो जो जो दिया पहले रख लेते हैं। पहले फिजिक्स का काम होता है बच्चा, देखिए फिजिक्स का मतलब होता है कि जो दिया आप पहले उसको लिख लेते हैं। कह रहा है कि 3.2 कूलाम आवेश, यानी Q का मान दिया है यहाँ पे 3.2 कूलाम। ओके, Q का मान दिया गया है। फिर कह रहा है कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बोला है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोला है। इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब क्या होता है बच्चा, एन। एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी एन बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे ना कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा, या एन इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात करना है। डोंट वरी। फिर कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, तो आइए देखते हैं हम सॉल्व करते हैं हल करके। या हमको अच्छे से पता है क्यू का मान इतना है, एन का मान नहीं पता है। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला आवेश का कहता है कि क्या कहता है, क्यू बराबर एन ई। फार्मूला यही कहता है ना बच्चा, क्यू बराबर एन ई कहता है। तो क्या हुआ, क्यू का मान हमको पता है, एन का मान ज्ञात करना है। देखिए बचवा लोगे, ई हमको एन का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम एन का मान निकाल लेना, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे गुणा दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बच्चा इस साइड का देगा, हमेशा भाग ही देगा ना। इधर गुणा तो इस साइड भाग, यानी एन बराबर क्यू बटे ई, यह तो होगा ना। देखिए समझिएगा, और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर गुणा दे रहा है, तो भैया अगली साइड भाग देगा ना। बचपन की कहानी है कि बराबर के इस साइड से उस साइड लेके जाओगे तो गुणा का भाग होता है और भाग का गुणा होता है। जोड़ का घटाना, घटाना का जोड़, यही तो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो हमको एन का मान निकालने का फार्मूला मिला, ठीक है, यानी एन बराबर क्यू बटे ई। अब हम कहेंगे बच्चवा क्यू का मान कितना है हमारे पास, क्यू का मान 3.2 कूलाम रख दे रहे हैं बटे इलेक्ट्रॉन। भैया ई का मान हमने बताया था अभी कुछ ही देर पहले, ई का मान कितना होता है बच्चा, ई का मान 1.6×10⁻¹⁹ होता है। यही तो सिखाए हैं, ठीक है, यही तो हम सिखाए हैं ई का मान, ठीक है। तो ई का मान जब हमको पता है तो हम क्या करेंगे, 16×32, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। अब बच्चा मैंने 16×32 किया, दशमलव से दशमलव खत्म। ओके, अब हमको पता है -19 है, या जो भी घात नीचे की तरफ माइनस होता है ना, बराबर के ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाता है। तो आइए देखते हैं, यानी तब करेंगे बराबर 2×10⁻¹⁹, ऊपर चला जाएगा 10⁻¹⁹ हो जाएगा। ओके, यानी एन का मान हमको मिलेगा 2×10⁻¹⁹, एन बराबर 2×10⁻¹⁹, यही तो होगा ना, बोलिए, ठीक है। इस प्रकार से हम अच्छे से एन का वैल्यू ज्ञात करना सीख लिए हैं। ओके, लेट्स बिगिन। तो इस तरह से आप लोग छोटे छोटे सवाल को रख करके आसानी से हल कर लेंगे। ओके, एन का मान मिला, समझ में आया। देखिए कुछ नहीं करना था हमको, क्यू का मान पता था, एन का मान ज्ञात करना था, और इलेक्ट्रॉन का मान बच्चा हमको पता है, 1.6×10⁻¹⁹
-19 यही होता है। अब हम क्या किए, n का मान निकाल दिया यहां से, e गुणा इस साइड भाग दिला दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से भाग दिया यहां पे। अब यहां पर q बटे e हुआ, q का मान हमको पता है 3.2, e का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, 16 से काटे 16 × 32, 2 था, इसको ऊपर कर दिए, हो गया इतना आंसर, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का मान निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट 2-4 क्वेश्चन कर ले उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए तीसरा सवाल कहता है कि बच्चा एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, ठीक है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा प्रकृति बताइए, चलिए। तो प्रश्न आपका बच्चा इस तरह से मिल गया है, कह रहा है एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बच्चा देखिए, इसके पहले क्लास में एंड दूसरे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, बच्चा ये धातु है ना, अरे धातु सॉरी ये क्या है, एक पिंड है, हमने बोला था बाहर से इलेक्ट्रॉन जब किसी के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें जो था उतना तो था ही, बाहर से इसमें प्रवेश करा रहे हैं, यानी एक था, इसमें ज्यादा कर रहे हैं, जब जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है बच्चा, हमने बोला था वह क्या होगा, ऋण आवेशित होगा, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ, बोला ये देखिए समिया में कहा बोला है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बाहुल्य से हमें पता चलता है कि बाहुल्य मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और जब जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी बच्चा, तब तब ऋण आवेशित होगा, क्या होगा, ऋण आवेशित होगा, ठीक है। यानी क्या होगा, यहाँ पर जो आपका एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, आवेश तथा प्रकृति बताइए। अरे बच्चा अभी अभी हमने देखा ना, जब इलेक्ट्रॉन बाहुल्य होगा, जब जब इलेक्ट्रॉन बाहुल्य होगा तब तब ऋणावेशित होगा, ऋणावेशित, ठीक है। यानी इसकी प्रकृति क्या मिला, प्रकृति हमें मिला भैया, प्रकृति कैसे मिल गया हमको, ऋणावेशित मिला, ऋणावेशित कैसा मिला हमको, प्रकृति ऋणावेशित कैसा मिला हमको, प्रकृति अभी अभी हमने देखा कि इसकी प्रकृति कैसा मिला, ऋणावेशित, कैसा मिल गया हमको प्रकृति इसका बच्चा, ऋणावेशित, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसकी प्रकृति तो ज्ञात कर ली, अब आगे देखते हैं क्या होता है इस सवाल में, ठीक है। तो हमने इसकी प्रकृति को अच्छे से ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब प्रकृति तो हम जान गए, अब जो जो दिया है उसको लिख करके चलिए सवाल को लगाते हैं, आवेश को ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए तो दिया है बच्चा, जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं, फिजिक्स का नियम होता है, ठीक है।
ठीक है, क्या दिया है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा, यन बराबर बोला है 4000 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 4000 इलेक्ट्रॉन, 4000 इलेक्ट्रॉन बोला है ना, एक चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4000 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा, यन का मान 4000 दिया गया है, यन का मान 4000, तो कह रहा है कुल आवेश बताइए, आवेश पूछा है, यानी q बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आवेश, आवेश का फार्मूला क्या होता है, q बराबर n e होता है, यही तो हम फार्मूला पढ़े थे, बताइए पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में यही तो पढ़े थे, तो पहली वीडियो अगर नहीं देखे हैं बच्चा तो पहली वीडियो देख करके आइएगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस प्रकार से हम लोग इसका मान तो ज्ञात कर दिए, ओके, चलिए तो यहाँ पर क्यू का मान हम रखेंगे बराबर जो जो हम पता है, तो क्यू बराबर हमको पता होगा एन, एन का मान 4000, एन का मान 4000 गुणे ई, ई मीन्स क्या होता है बच्चा, ई मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1. कितना होता है 1.6 गुणे 10^-19 होता है, यही तो हम पढ़े थे, इतना होता है कि बच्चे हम 4000 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 10^3, 10^3 का मतलब क्या होता है, 10^3 का मतलब ये होता है कि 1000, अरे 10^3 का मतलब 3, घात 3 का मतलब क्या, 10 × 10 × 10, यही तो होता है ना, फिजिक्स का नियम है भैया, जब जब मान होगा जीरो इसको आप घातों में कन्वर्ट करके लगाएंगे, तो 10^3 4 × 1000 हो जाएगा, और ये गुणे में कितना है, 1.6 × 10^-19, यही है ना, 16 × 4 कितना होगा बच्चा, 64 होगा, 0.1 रुपए, ठीक है, 16 × 64, 0.1 रुपए, देखिए 10^3 है, 10^19 है, और दोनों का गुणा हो रहा है कि नहीं, जब दोनों का गुणा होगा तो घात जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो चलिए एक प्लस में है, ये प्लस में ही माइनस में, जब एक प्लस एक माइनस तो घटेगा ना, तो चलिए घटा देते हैं, यानी हमको क्या मिलेगा, गुणे 10^-16 कूलम, यानी हमको q का मान कितना मिल गया बच्चा, इतना मिल गया, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल आपका ऐसा ही होगा, ज्यादा कठिन नहीं होगा, बस उसके मान को, उसके डेरिवेशन को समझना जरूरी होता है, ठीक है, इसके मान को समझ करके ऐसे ही रख दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। तो आज के क्लास में आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और हाँ क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो उस पर जरूर लिखिए, अच्छा खराब जो भी है, आपको जैसा भी लगता है, ठीक है, आपके लिए कैसा है, यूजफुल है या नहीं है, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे हमें भी लगे कि हाँ हमारे पढ़ाए हुए से बच्चों को प्रॉफिट है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।